और मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए देश भर में प्रचार करने के लिए भी जाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि सुनीता केजरीवाल की भूमिका पर अरविंद केजरीवाल ही फैसला लेंगे। संजय जी, अब क्या अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के लिए भी जेल के ताले टूटेंगे? क्या उम्मीद आपको लग रही है? निश्चित रूप से छूटेंगे, ताले टूटेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, उनका दोष क्या है, उन पर आरोप क्या है? शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने शराब कारोबारी से खाई है, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ओपन होने में पता चल गया। तो शराब घोटाला तो भाजपा ही ने किया है, खुला मनी ट्रेल है उसमें। तो बीजेपी शराब घोटाले में ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पांव तक शराबोर है, मिली हुई है। अब अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने चुना है, शिक्षा पर काम करने के लिए, पानी पर काम करने के लिए, बिजली पर काम करने के लिए, तीर्थयात्रा पर काम करने के लिए, बुजुर्गों को राहत देने के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए, आर्थिक सहायता 1,000 रुपए की देने के लिए, इसके लिए चुना है। वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये जेल में भेजने से अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये लोग भी बाहर आएंगे, इनको न्याय मिलेगा, ऐसा पूरा भरोसा है। आप गए 4 अक्टूबर को और अब 3 अप्रैल को आए, क्या फर्क देखते हैं तब के संजय सिंह और अब के संजय सिंह? और आत्मबल मजबूत हुआ है, इनसे लड़ने का जज्बा आसमान पे पहुंचा है। तो इन 6 महीनों के अंदर खाली था, कोई फोन का दबाव नहीं था, कोई सीधे तौर पे लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता था, तो खाली था, तो बहुत सारा अध्ययन करने का मौका मिला। आपकी रिहाई उस वक्त हुई है जब पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, एक वैक्यूम पार्टी में है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है, क्या अब रणनीति रहेगी? लोकसभा चुनाव की दहलीज पर आप लोग हैं, दिल्ली, पंजाब और भी कई राज्य हैं जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आपने कल देखा होगा, 10 गुना ज़्यादा जज्बे से अपने मुखिया के समर्थन में, अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता काम करेगा, 10 गुना ज़्यादा उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ। और हमारा मकसद है, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वहाँ जिताएंगे, और जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे, प्रचार करेंगे। हमने तो कल नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। आखिरी सवाल यह है कि सुनीता केजरीवाल लगातार संदेश पढ़ रही हैं उनका, क्या आपको लगता है कि उनको भी चुनाव कैंपेनिंग में जाना चाहिए, प्रचार की कमान उनको भी संभालनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो कह रही हैं कि उनको गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है? अरविंद जी का जो भी निर्देश होगा वो भाभी जी के माध्यम से आपको पता चलेगा, मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो प्रचार के लिए जाएंगे, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि इंडिया ब्लॉक के प्रचार के लिए भी वो जाएंगे। कैमरा पर्सन जयकिशन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय में आज घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस मैनिफेस्टो में कई तरह की गारंटियां शामिल की गई हैं। ये गारंटियां अलग अलग वर्गों जैसे यूथ, महिला, किसान और श्रमिकों के लिए तैयार की गई हैं। पार्टी के घोषणा पत्र में 5 न्याय और